अमिताभ बच्चन की एक बार फिर से हम आप सभी के बीच बात करना चाहेंगे। हम आप सभी को बताना चाहेंगे वाकई में महानायक अमिताभ बच्चन किस तरह से बॉलीवुड टाउन को इंस्पायर करते आए हैं। 79 की उम्र में जिस तरह वो दिन रात 18-18 घंटे की शिफ्ट करते हुए काम कर रहे हैं, हर किसी के लिए ये आसान नहीं होता, लेकिन अमिताभ बच्चन पीछे नहीं हटने वाले। अमिताभ बच्चन हर प्रयास करते हुए खुद को बेहतर साबित करते हुए हमेशा अपनी तरफ से अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। चलिए आज हम आपको कुछ तस्वीरें मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की दिखा दें, जिसे देखकर आप सभी जरूर हैरान रहेंगे। अमिताभ बच्चन की वो वायरल तस्वीरें हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं, जिसे देखकर आपके जहन के कई सवालों का जवाब आप सभी को ज़रूर मिलेगा। वेल वेल वेल, आज हमारे इस खास रिपोर्ट में मैं आप सभी के बीच तृप्ति लेकर आई हूँ अमिताभ बच्चन की वायरल तस्वीरें, जिसमें वाकई में अमिताभ बच्चन के वायरल तस्वीरों में आप सब देख सकते हैं अलग अलग इवेंट्स में अमिताभ बच्चन के अलग अलग रिएक्शंस। वेल, अमिताभ बच्चन की सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। सबसे ज़्यादा अमिताभ बच्चन की अगर कोई तस्वीर वायरल हुई है तो वो ये है, फिल्म कुली के सेट पर जब अमिताभ बच्चन को लगी थी चोट, उस हादसे की तस्वीर है ये। जी हाँ, जिसे अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। जी हाँ, अमिताभ ने बताया था सिर्फ दुआओं ने ही उन्हें जिंदा रखा है। अमिताभ ने ये पोस्ट शेयर किया था। वल वल वल, कम से कम 39 साल पुरानी ये तस्वीर है। अमिताभ ने ट्विटर पर इसे शेयर करते हुए लिखा था, आई वॉज अबाउट टू डाई बट योर प्रेयर्स केप्ट मी अलाइव, दिस डिबेट आई कैन नेवर रिप्ले। अमिताभ बच्चन की ये तस्वीर अगर आप देख रहे हों तो वाकई में आप सभी काफ़ी इमोशनल तो हुए होंगे, क्योंकि वाकई में अमिताभ बच्चन कितना ज़्यादा फेटल इंजरीज़ की वजह से फिल्म कुली के सेट पर सफ़र कर चुके थे। उन्हें दूसरा जीवन मिला था, क्लिनिकली उन्हें बताया जा रहा था कि उनका निधन हो चुका है। कुछ मिनट्स के लिए अमिताभ बच्चन की सांसें थम गई थी और फिर वो रिकवर किए थे महीनों हॉस्पिटल में रहकर। साल 1983 की फिल्म कुली की हम बात करेंगे। इस फिल्म के बारे में 39 साल बाद भी अमिताभ बच्चन ने अपनी बात ऐसे ही रखी और अमिताभ ने कहा, आई वॉज अबाउट टू डाई बट योर प्रेयर्स केप्ट मी अलाइव, दिस डेथ आई कैन नेवर रिप्ले। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने अपने पिता के ट्वीट वाले पोस्ट को देखने के बाद कई बातें और भी कही थी। अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट को देखने के बाद उनके बेटे अभिषेक भी भावुक हो गए थे। यही वो दिन था जब अभिषेक बच्चन वापस इंडिया लौट आए थे। शूटिंग के बीच वो इतना इमोशनल हो गए थे। अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट पर अभिषेक बच्चन का कहना भी काफ़ी इमोशनल था। जी हाँ, आवर ट्रू लेजेंड्स आर बॉर्न ट्विस्ट, ये लिखकर अभिषेक बच्चन ने पोस्ट शेयर किया था और लिखा था, हैप्पी बर्थडे लव यू। जी हाँ, अभिषेक बच्चन अपने पिता को बोलते हैं कि उनका दूसरा जन्म हुआ है 2 अगस्त 1982, वो दिन कभी नहीं भूल सकता इंसान। डॉक्टर अमिताभ बच्चन का ट्रीटमेंट कर रहे थे, एड्रेनल स्ट्रेट जो है वहाँ से सीधा उनके दिल तक इंजेक्ट किया था डॉक्टर ने ट्रीट करते हुए उन्हें, और तो और उनकी पत्नी जया बच्चन उस वक्त उनके साथ पर प्रेजेंट थी। जो उनकी उंगलियों को मूव करते हुए देखी तो उन्होंने कहा, वो जिंदा हैं। उन्होंने कहा, जया बच्चन ने कहा, लुक ही इज़ अलाइव। और इसके बाद दोबारा 2 अगस्त को अमिताभ बच्चन का दूसरा जन्म हुआ। ये राज खुला कि जया बच्चन अगर नहीं होती तो लोग अमिताभ बच्चन को फिर बचा ना पाते। अमिताभ बच्चन के लिए जया बच्चन का यही तो प्यार है सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वाकई में जया बच्चन ने जिस तरह से सपोर्ट किया है, वाकई में कहना गलत नहीं होगा कि जया बच्चन एक पत्नी होने का फ़र्ज निभाती तो रही। सच्ची मोहब्बत तो जया बच्चन की वापस अमिताभ बच्चन को मौत के मुँह से लेकर आ गई। चलिए हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में बता दें, साल 1983 में रिलीज़ होने वाली फरवरी के महीने की फिल्म को लेकर आपको कहना चाहेंगे हम कि हॉस्पिटल में महीनों गुजारने के बाद अमिताभ ने दोबारा इस फिल्म की शूटिंग रिज्यूम की थी
और फरवरी में, जिसके बाद फिल्म को रिलीज़ किया गया था उसी साल नवंबर के महीने में। फैबुलस रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिले थे, लेकिन डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने जो एंडिंग दी थी उसकी हम बात करना चाहेंगे, जिसमें अमिताभ बच्चन कौनसिल कैरेक्टर इकबाल असलम खान को रिकवर करते हुए देखा गया था फैटल इंजरी के बाद, जिस तरह से एक्टर को रियल लाइफ में हुआ था, अमिताभ बच्चन के साथ रियल लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। क्या आपको मालूम है फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के दौरान भी उसी वक्त की तकलीफ दोबारा हो गई थी अमिताभ को, जब भारी भरकम ड्रेस पहनकर उन्हें शूट करना पड़ा था। अचानक वो बीमार हुए थे और राजस्थान से सीधा उन्हें मुंबई रवाना होना पड़ा था और डॉक्टर ने सीधा उन्हें रेस्ट करने के लिए कह दिया था। इस तरह से अमिताभ बच्चन की सेहत अचानक से बिगड़ जाने के कारण उन्हें काफ़ी तकलीफ होती रही है। खैर, आज हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में अमिताभ बच्चन की लाइफ के बारे में बता चुके हैं। ये वायरल तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं जिसमें अमिताभ बच्चन वाकई में तकलीफ़ से कैसे परेशान रहे थे। अमिताभ बच्चन को लेकर कहना चाहेंगे कि उस वक्त उनके साथ जो हुआ था हादसा, उसमें उनकी भी गलती नहीं, उनके सामने वाले को स्टार की भी गलती नहीं थी। दरअसल वो एक पहलवान और एक्टर पुनीत इस्सार थे। 7-8 फिल्में उन्होंने खो दी थी अमिताभ बच्चन के साथ हुए उस हादसे के बाद। पुनीत इस्सार से इतना लोग डर गए थे कि उन्होंने 7-8 फिल्में ही खो दी थी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के साथ हुए हादसे के बाद पुनीत की करियर भी काफ़ी ज़्यादा तबाह हो गई थी और इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया था। वो खुद उस दिन को याद करते हुए काफ़ी भावुक हो जाते हैं कि उन्होंने जो किया वो तो शूटिंग के दौरान गलती से मिस्टेक थी, लेकिन इसका नतीजा काफ़ी ज़्यादा उन्हें भुगतना पड़ा था, महीनों उन्हें भुगतना पड़ा था। पुनीत इस्सार को काफ़ी तकलीफ हुई थी कि उनकी वजह से ये हुआ है। खैर, आपको हमारे इस रिपोर्ट में और भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे अमिताभ बच्चन के साथ हुए हादसे की, तो हमने आपको बता दी बात, लेकिन क्या आपको मालूम है हॉस्पिटलाइज जब हुए थे अमिताभ बच्चन, तब उनकी कुछ ऐसी भी तस्वीरें वायरल हुई थी जिसे देखकर लोग काफ़ी चौंक गए थे। जी हाँ, बेड पर अमिताभ बच्चन स्ट्रेचर पर थे, ना तो वो हिल पा रहे थे और ना ही वो कुछ बोल पा रहे थे। अमिताभ बच्चन के हॉस्पिटलाइज होने पर हालत ऐसी थी, उनका परिवार ही उन्हें उठाकर लेकर जा रहा था। सबसे ज़्यादा एडमिटेड हुए थे वो जो नानावती हॉस्पिटल में, तब ये फाइल फ़ोटो अमिताभ बच्चन की काफ़ी वायरल हुई थी। सिर पर टोपी लगाए अमिताभ को उनके बेटे लेकर जा रहे थे, हालत काफ़ी बुरी थी सभी परिवार वालों की। दोबारा अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटलाइज जब होना पड़ा तो उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि आपको मालूम है कि अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटल लाने के लिए बाला साहब ठाकरे ने अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर भिजवाया था, जिसके ज़रिए ही अमिताभ बच्चन पहुंच पाए थे, कहा जाता है, सीधा हॉस्पिटल, वरना उनके साथ बहुत बुरा होता। लोग यही मानते हैं कि अमिताभ बच्चन को जीवन दान मिला था दोबारा दुआओं ने, और अमिताभ बच्चन को उनकी पत्नी का प्यार और भरोसा ने ही दोबारा ज़िंदगी दी, जिससे उभरने में सालों साल लगे। अमिताभ बच्चन एक बार नहीं, कई बार अमिताभ बच्चन हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, लेकिन हमेशा उनके सेट पर तबीयत बिगड़ने पर भी उनके परिवार वाले हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में सतृप्ति की रिपोर्ट।